मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा बाईपास से लगकर जबल हॉल में आज मर्चेंट फैमिली द्वारा एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था और इसी मौके पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदनान 07 मौजूद है। किस तरीके का भाईचारगी का मैसेज आज जो है आपने यहाँ पर आकर के देखा और क्या देंगे? बहुत अच्छा, यहाँ पे कोमिल भाई ने अरेंजमेंट किया था और सभी कास्ट के लोग यहाँ पे आए थे, सभी में यूनिटी दिखी और ये बहुत ही अच्छा इनका जो थीम था, जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत अच्छा था कि सभी रिलीजन को एक साथ में मिलके एक साथ में रहना और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देना। अच्छा, आपकी टीम आई थी, किस तरीके का जो है आपने बंदोबस्त देखा, क्या तरीके का अरेंजमेंट था? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ ना ज़्यादा बोल पाता हूँ, तो किस तरीके का मैसेज रहेगा लोगों को, जो एकता का मैसेज गया है? बहुत बहुत अच्छा मैसेज रहा है और हम लोग की तरफ से कोमिल भाई को और कोमिल भाई की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा अरेंजमेंट करने और इतना सब लोगों को गेट टुगेदर एक सोशल अच्छा पॉजिटिव मैसेज फैलाने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने भी अभी अवतार पार्टी का आयोजन किया हुआ था, उसमें कोमिल भाई आए नहीं थे? अवतार पार्टी का मैं कहाँ अरेंजमेंट किया था? आपने टेरिस पे किया था ना? मेरी टेरिस थोड़ी ना, अमान की टेरिस। अभी अभी आने वाले दिनों में प्लानिंग है कि अफ्तार पार्टी ऐसा करे। अभी तो रमज़ान ही खत्म हो गया, कितने जल्दी रमज़ान निकल जा रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है, इबादत करने में ही इतना टाइम गुजर जा रहा है। इंशाल्लाह अगली बार करेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं इफ्तार पार्टी तो ज़रूरी है ही अगर कोई ऐसे दिल से इनवाइट कर रहा है तो, मगर उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही कीमती टाइम होता है तो जितना ज़्यादा हो सकता है लोग इबादत करते हैं, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि इफ्तारी पार्टी में जाना तो ठीक है, मैं आ गया हूँ अभी वक्त निकाल के कमिटमेंट दिया था भाई को, मगर इबादत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोग पहले वो करें। सर अदनान सर, जब आप उमरा करने गए थे वहाँ पे, आपको हरम शरीफ को देख के फर्स्ट फीलिंग क्या थी आपके दिल में, वो तो बोलते ना जो एहसास आता है वो मैं कोई भी नहीं बयां कर सकता और मैं मेरे बताने से आप समझोगे भी नहीं, और मैंने जो भी चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं पर्सनली मेरे लिए मैं उतना कुछ मांगा नहीं, मगर जिस तरीके से मुझे अल्लाह ने नवाजा, मुझे मौका दिया, मैं ये दुआ किया कि सारी उम्मत को या अल्लाह जिस तरीके से मुझे मेरी माँ को लेके ऐसा मौका मिला, ऐसे उस तरीके से पूरी उम्मत को उसकी फैमिली को लेके ऐसे जाने का मौका मिले।